अच्छा जी, एक छोटा सा सिनारियो देखें। सिनारियो के अंदर हमारे पास एक सेल्स टीम है और उस सेल्स टीम के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनको एक टारगेट डेट दी हुई है जिसमें उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना है। बट फॉर सम रीज़न कुछ सेल्स पर्सन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए जाएँ। कभी मैनेजमेंट ये समझती है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा दिन मिलने चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों ने रिवाइज टारगेट डेट कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन कि जितने उनको दिन दिए जाएं। तो ये हम इस वीडियो के अंदर ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि ये काम हम लोग करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लें। एक्सेल के अंदर जो डेट है वो नंबर के तौर पर ट्रीट होती है। नंबर में हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसी हम डेट को भी इसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। डेट में अगर हमने हमने कुछ ऐड करना है तो वो ऐड हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ ज़रा ये भी देख लें, एक्सेल का जो कैलेंडर है वो शुरू होता है 1 जनवरी 1900 को, और उसके मुताबिक जो पहला दिन है वो कौन सा दिन है, वो 1900 1 जनवरी का है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख मैंने यहाँ पर लिखा, ये नंबर है, और फिर मैंने इसको सिर्फ क्या करना है, इसको ट्रीट करना है, इसको फॉर्मेट करना है एज ए डेट। तो जब मैंने शॉर्ट डेट किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास डेट आ गई विच इज़ 1 जनवरी 1900। अब इसके अंदर मैं कुछ जमा करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे जमा करना है फॉर एग्जांपल 56, तो मेरे पास अब जो डेट आ रही है वो ये आ रही है कि 26 फरवरी यहाँ पर डेट आ गई। तो मैंने यहाँ पर जमा किया किया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरीके से अब मैं अगर इसको चेंज कर दूँ और यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है मैं इसको लॉन्ग डेट में ले जाऊँ ताकि हमें जो जो कॉन्सेप्ट है समझने में आसानी हो जाए। तो ये लॉन्ग डेट आ गई, ठीक है। अब मेरे पास फ्राइडे है और मेरे पास यहाँ पर जो टॉमी है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 7 दिन दिए जाएँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 दिन दे दी। और क्योंकि ये डेट है और ये क्योंकि रिवाइज टारगेट डेट यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। तो हमारे पास जो डेट यहाँ पर पड़ी हुई है B2, और जो हमारे पास डेज एक्सटेंडेड हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब मैंने सिर्फ क्या करना है, एंटर करना। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास जो जो इसकी रिवाइज टारगेट डेट आ गई। और इसको अगर मैं ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले गया, तो ये मेरे पास डेट्स आ गई। अब रॉबी है फॉर एग्जांपल, रॉबी को 1 दिन मिलता है। अगर मैं 1 दिन यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं टॉम को 3 दिन देता हूँ तो मैंने 3 दिन दिए, तो यहाँ पर ये ट्यूसडे है, देखिए अगेंस्ट यहाँ पर देखें क्या आ गया, फ्राइडे आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ अपनी जो रिवाइज टारगेट डेट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी डेट कैलकुलेशन है।